तो सर वीडियो मैच कवर करने वाले जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच खेला जाएगा, स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच है। आप देखोगे तो सभी को पता है कि ये जो मैच है ऑस्ट्रेलिया विन करेगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कौन सा प्लेयर आज कैसा परफॉर्म करेंगे, कौन सा प्लेयर आज कितने विकेट्स लेंगे, कितना रन स्कोर करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं वही डाउट्स आपको मैं क्लियर करूंगा और क्या आपको ग्रैंड लीग टीम स्ट्रैटेजी अपनानी और कैसे ग्रैंड लीग आपको विन करें ये भी आपको मैं इस वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाओगे। ये हमारा सेकंड फेस कैम वीडियो है, तो वीडियो को जूस लाइक करके शेयर जूस कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो दोनों टीमें अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट रहेगी। स्कॉटलैंड आपको बता तो स्ट्रैटेजी वगैरह उससे पहले पॉइंट टीम क्लब लो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले शेयर कर देते। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पर अपडेट्स वगैरह आपको सबसे पहले शेयर कर देते। और बैकअप के लिए आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको बैकअप भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल यूज करेगा और व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जो देखो स्मूथली ज्वाइन करना है ना, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, पहले लिंक पर क्लिक करो और सिंपली आप वोट ज्वाइन कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड अब बात करते देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर अप करता हूँ, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं। ओपन करते अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब, पहले तो ये बता देता हूँ सेकंड फेस कैम वीडियो है, अपना सपोर्ट जो उसे दिखाना बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अच्छा है, आपका रिस्पांस भी आ रहा है। ये जो मैच है करीब 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कह सकते हो एक अच्छा मैच है। शाम के टाइम पे मैच रहेगा तो सही मैच है, और कल के दिन का मुझे सबसे बेस्ट मैच यही लग रहा है। उसे भी स्कॉटलैंड के नज़र में कितने सारे मैचेस कवर किए, डोमेस्टिक कितना ज़्यादा कितने कवर किया, इंटरनेशनल तो पूछो ही मत। स्कॉटलैंड अच्छी टीम है बट फिर उसके बहुत फेवरेट रहेगी। और ये जो मैच है खेला जाएगा क्रिकेट क्लब एडिनबर्ग में मैच खेला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें लाइव फैन कोड पे देख सकते हो, हर कोई जानता ही है, बट पिच रिपोर्ट थोड़ा सा बता देते, ये जो गैरिंग क्रिकेट क्लब है वो कैसा विकेट है, तो हालांकि हर कोई जानता है और आपको पता हुआ ये जो विकेट है जनरली इस विकेट पे बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा बैट्समैन को जू से प्रिफर करें, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बैट्समैन, तो बैट्समैन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो 160 से लेके 170 आराम से बन सकते हो, 160 से लेके 170 आराम से स्कोर बन सकते हैं, यानी कह सकते हो एक अच्छा स्कोर आपके लिए साबित हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वही अगर सीनियर देखिए, अगर पहले स्कॉटलैंड अगर पहले बैटिंग करे तो मुझे लगता है तो उनका कोई कन्फर्म नहीं है, चाहे तो 150 भी मार सकते या फिर 120 पे भी ऑल आउट हो सकते। तो मैं एवरेजली अगर लेके चलता तो 120 रन की होप कर लेना उससे, और इनसे 160 अगर पहले बैटिंग गए तो एवरेज आपको बता दिया, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना चाहा। उसके अलावा हम बात करें वेदर रिपोर्ट, तो वेदर कैसा है, तो देखो वेदर एकदम क्लियर, ऐसा कोई भी इसका बारिश का चांस वगैरह नहीं है, वेदर एकदम क्लियर। एडिनबर्ग का जो वीक है वहाँ एकदम वेदर क्लियर, ऐसा कोई बारिश नहीं होगा, आपको कंप्लीट 20 ओवर का गेम देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें सबसे पहले इंजरी न्यूज़ वगैरह, तो कोई भी ऐसा इंजरी न्यूज़ वगैरह नहीं है। सबसे पहले आपको लाइनअप बता देता हूँ स्कॉटलैंड का, अगर आप लाइनअप देखोगे तो ओपनिंग करेंगे जॉर्ज मुंसी, ओपनिंग करेंगे टीम दस, हर कोई जानता है जॉर्ज मुंसी एक भरोसेमंद प्लेयर है, और जॉर्ज मुंसी जितना फॉर्म में रहते हैं उतना शायद ही कोई स्कॉटलैंड का प्लेयर रहा होगा, क्योंकि जॉर्ज मुंसी का आप 10 में से अगर स्टैट्स जो चेक करेंगे वो उनका चेक कर सकते हैं, बट मैं बता दूँ जॉर्ज मुंसी एक ऐसे प्लेयर जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में रहते हैं, 10 में से 7-8 में जैसे हमेशा स्कोर करते हैं और जनरली टच में ही रहते हैं। माइकल जो जो कि कुछ खास बड़ा प्लेयर बट ठीक है टीम से ओपनिंग कर रहा है। ब्रेंडन मैकल्यूम जिसे आप रिसेंटली कैप्टन कर रहे थे, वही प्लेयर जो कि 4 ओवर बॉलिंग 10 ओवर बॉलिंग कर रहा था वनडे मैच में, काफ़ी जबरदस्त प्लेयर टीम जैसे ब्रेंडन मैकल्यूम, बहुत कम लोग पिक कर रहे थे, मैंने देखा था बहुत कम लोग पिक करे, बिल्कुल ना के बराबर। आप ग्रैली टीम में कैप्टन करो जॉर्ज मुंसी को, ब्रेंडन मैकल्यूम को, रिची ब्रिंगटन, देखो बंदे को कैप्टनसी मिला रिची ब्रिंगटन अच्छा प्लेयर टीम जैसे एक्सपीरियंस बनता है, तो डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है। अपनी टीम में कोई खराब पिक कहीं से भी नहीं है, तो कोशिश करो कि अपनी टीम में जूर से पिक करके चले रिची ब्रिंगटन, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग टीम है और रिची ब्रिंगटन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। मैथ्यू क्रोस है टीम से, माइकल लिस्क है, क्रिस ग्रिप्स है, मार्क वाट है, क्रिस शोले है, ब्रैड विल है, सफियान शारिफ है, आपको साइड में लाइनअप्स आपको मैं दे दूंगा वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी तगड़ा लाइनअप्स से लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस लाइनअप से बहुत कुछ कमी है, हालांकि मुझे ठीक ही लग रहा है। और बैटिंग में अगर देखोगे तो इनके पास इनफॉर्म प्लेयर जॉर्ज मुंसी है, ब्रैंडन मैकल्यूम है, रिची ब्रिंगटन है, मैथ्यू क्रोस वगैरह, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जैक फ्रेशर जो कि ओपनिंग करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से, ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग करेंगे, मिचेल मार्श वनडे बैटिंग करेंगे कैप्टनसी के। देखो टॉप ऑर्डर इतना खतरनाक है कि पूछो ही मत। देखो ना यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लाइन दिखा रहा हूँ, देखो जैक फ्रेशर ओपनिंग करेगा, अलग ही फॉर्म में चलता है, अलग ही किसी को सुनता नहीं, अलग ही मारता है। ट्रेविस हेड वो उसी लेवल का प्लेयर है, कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि 2020 का सबसे फेवरेट प्लेयर रह चुका है ये बंदा, और एक टाइम पे नो डाउट मैं हमेशा आखिर कैप्टन करता 2020 में, अच्छा प्लेयर टीम दस है। उसके अलावा टीम दस है, मुझे लगता है टीम दस से देखो मार्कस स्टोनिस एक अच्छी पिक है, तो मार्कस स्टोनिस टीम दस फोन है, बैटिंग करेगी टीम दस इनके लिए ठीक है। टीम डेविड है, अरुण हार्डी है, कैमरन गिन है, सीनबोट है, नैथन ग्लिस एलिमिनेटेड है, एडम चंपा है, तो इनका लाइन से काफ़ी परफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम बात करें दोनों टीम ठीक ही है लाइनअप से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल दोनों टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा ही फेवरेट, क्योंकि इनके पास यंगस्टर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे,
एक्चुअल में यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा है, और टीम डेविड को भी ये लोग फिर ना बैटिंग करने, वो अलग ही मतलब मारता है बंदा, दो ओवर मिल गया तो अलग ही मारता है। एंड बात करते हैं प्ले बाई साइंस के डेली, हम चाहे जूसे ज्वाइन कर लेना पार्टी को, सेकंड हमारा फेस कैम वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आपको डेली फेस कैम वीडियो देंगे, तो जूसे सपोर्ट दिखाना। जो ग्रैली खेले उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, कोशिश करो ग्रैली खेले। और हाँ, फाइनल टीम के लिए डेली हम चाहे ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब जूस का, और इस वीडियो के लिए गिव अवे भी है ठीक ना, तो गिव अवे पार्टिसिपेट जूसे करना। चलो गिव अवे पार्टिसिपेट तो करेंगे, आपको क्या गिव अवे क्वेश्चन वो भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले टीम फटाफट से क्रिएट करते, टेलीग्राम पे जूस एक्टिव होना 6:30 बजे मैच है, 6 बजे टेलीग्राम पे, और कोशिश करूँगा लाइव स्ट्रीम वगैरह करें, सामने टीम बनाए तो वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा। अगर हम बात करें सबसे पहले फटाफट से टीम क्रिएट करते, अगर मैं पर्सनली बोलूँ ना तो इंटरेस्टिंग मैच है, कोई ख़राब कहीं से मैच नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कॉटलैंड में हमेशा हम लोग ग्रैली विन करते रहते हैं, तो कोशिश करना कि आप लोग जरूर से खेलो ग्रैली वगैरह जरूर से खेलना। मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आपको दे रहा था, लेकिन उससे पहले आप गेम पार्टिसिपेट करो। देखो हमारा सेकंड फेज गेम वीडियो है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको ना गिव अवे भी करते, तो गिव अवे का सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको आंसर देना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप डेफिनेटली विनर बनोगे, जो विनर्स होंगे उनको डेफिनेटली आपको पेटीएम कैश मिलेगा, तो जो उसे पार्टिसिपेट करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस मैच में मोस्ट रन कौन सा प्लेयर स्कोर करेगा। मेरा आंसर टर्विस हेड है, जो कि मेरा फेवरेट आपका जैक फ्रेशर हो सकता है, जॉर्ज मुंसी हो सकता है, रिची ब्रिंटॉन हो सकता है, मार्कस स्टोनिस हो सकता है, आपको जो भी प्लेयर लगते हैं दोनों टीम के साथ मोस्ट रन स्कोर करेगा, सबसे ज़्यादा रन स्कोर करेगा फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच में, आप उसका नाम नीचे कमेंट करना। बस कंडीशन एक ही है कि वीडियो को लाइक होना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन के ऑल पे होना ही चाहिए। ये काम कर लेना और ये पार्टिसिपेट जो से कर लेना, तो जो से कर लेना। मैं फटाफट से टीम क्रिएट करता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मेरा आंसर ट्रेविस हेड है, बट आपका हो सकता है जैक फ्रेशर हो सकता है, कोई भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है जॉर्ज इंग्लिश वगैरह, जो भी जॉर्ज मुंसी वगैरह लगता है। बात कभी कीपर सेशन देखो, फटाफट से टीम क्रिएट करते हैं, अपने क्वालिटी पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ग्रेली स्ट्रैटेजी वगैरह बताऊंगा, और थोड़ा सा टिप्स वगैरह भी देखना, और प्लेयर्स का जो आज प्लेयर परफॉर्म करेंगे और फ्लॉप होंगे उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें कीपर सेशन से, तो जॉर्ज मुंसी एक बेहतरीन पिक है, आप जॉर्ज मुंसी को पिक करके चलो, जॉर्ज मुंसी से बैटिंग कॉल पिक है, आप पिक करके चलो जॉर्ज मुंसी को, क्योंकि फेवरेट प्लेयर और ये जनरली टेक्निकली हर मैच फॉर्म में रहते ही है, तो जॉर्ज मुंसी तो मेरे बाय डिफॉल्ट भी मेरे फेवरेट प्लेयर भी है बंदा, और उसे भी फॉर्म में रहता है चेक, और सामने मैं सोचो ऑस्ट्रेलिया टीम है, ये मारेगा अलग ही। उसके अलावा मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट है, ट्रेविस हेड इंपॉर्टेंट है, रिची ब्रिंटॉन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे टीम 10 से, पिक करके चल सकते हो। जैक फ्रेशर ये किसी की सुनेगा नहीं, अगर सामने कमजोर बॉलर मिल गया तो मार लेगा पावर प्ले में, तो पावर प्ले का फायदा पूरा पूरा उठाता है, तो डेफिनेटली पिक करने वाले चॉइस है मेरे साइड से। उसके अलावा टीम डेविड वगैरह ठीक है, टीम 10 से अगर पहले बैटिंग हो तो शायद टीम डेविड को पिक किया जा सकता है मेरे साइड से, तो ब्रांड में क्यों एक ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन अभी एकदम नाक बराबर, स्क्रीन साइड में आपको दिखा दूंगा, इस बंदे का सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर, बट प्लेयर जबरदस्त है। अगर इस बंदे को अगर डोमेस्टिक मैच में रहता तो इसको इसको सब कैप्टन कर रहा था, और प्लेयर जबरदस्त है, पिक करके चलो। मैं ब्रांड मैकलिन को पिक करना चाहूँगा, एक डेफिनेटली अच्छा पिक है। उसके अलावा मार्कस स्टोनिस, कैमरन गेन, माइकल इस वॉल तो बोलेंगे ना कि ड्रॉप करोगे पिक कर दो, फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सजेशन दूंगा कि आप ड्रॉप करने में ही अच्छा सजेशन रहेगा, क्योंकि आप भले कि अच्छा बड़ा प्लेयर है, बट फिर भी मेरे साइड से जो मुझे लगता है आप डेफिनेटली को ड्रॉप करके चल सकते हो टीम 10 से माइकल लिस को। उसके अलावा टीम 10 से एरन हार्डी, जो कि टीम 10 से ट्रंप कार्ड पिक हो सकते हैं, मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप जाना चाहता हूँ, एक रुको इनको बॉलिंग लाइनअप कितना ज़्यादा है, रुको रिले मैंने डेट भी अवेलेबल है, तो उसको भी मुझे पिक करना है भाई ठीक ना, 1 2 3 4 5, यानी कि इनके पास मार्कस स्टोनिस पार्ट टाइमर ही रहेंगे, तो शायद मार्कस स्टोनिस उतना बॉलिंग ना करे जितना कि आपको ये सब कैमरन गेन वगैरह बॉलिंग करके दे सकते हैं। आयरन हार्डी को मैं साइड रखता हूँ फिलहाल, मैं दो ही ऑर्डर के साथ सेटिस्फाइड हूँ, बस मुझे माइकल लिस नहीं चाहिए। रेलिमेंट डेट एडम चंपा, नैथन इलिस, एक मिनट रेलिमेंट डेट तो चाहिए अपनी टीम में ना यार, क्योंकि बंदा जबरदस्त बॉलिंग करता है, हर कोई जानता है बीबीएल का एक ऐसा प्लेयर है जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, तो मेरे साइड से तो एक अच्छा पिक है, तो पिक करके चल सकते हैं आप, डेफिनेटली पिक करना चाहिए, तो कोशिश करो को पिक कर लेंगे। रेलिमेंटेड को पाँच टीम में पिक करूँगा, ग्रैली कॉम्बिनेशन दूंगा उस समय ग्रैली की टीम में जू से पिक करना। मेरा पॉइंट आपको प्रोडिक्शन में शेयर करूँगा कि आज कल कौन से प्लेयर फ्लॉप जाएंगे और कौन से प्लेयर परफॉर्म करेंगे। कैप्टन से बात करें तो मैं पर्सनली बोलूँ ना, अगर मार्कस स्टोनिस बॉलिंग करेंगे, मैं अपडेट आपको मैं कर दूंगा, तो सबसे बेस्ट कैप्टनसी के लिए ऑप्शन है, बट सीनियर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करे, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करे। अगर मुझसे पूछोगे कि सेफर कौन है, तो मैं बोलूँगा मिचेल मार्श एक जबरदस्त ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए, कैप्टन मिला है टीम 10 से, क्या पता बॉलिंग भी कर ले, और साथ ही साथ बॉलिंग से हालांकि होप तो नहीं है बट अच्छा प्ले टीम 10 से, तो डेफिनेटली पिक किया जा सकता है एज ए कैप्टन। तो मैं एज ए कैप्टन फिलहाल के जो मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट कैप्टन है वो है मिचेल मार्श, मैं मानता हूँ मिचेल मार्श से कैप्टन। वाइस कैप्टन होटा रिसेट के साथ भी कैप्टन, वाइस कैप्टन मिचेल मार्श, आप पूछ ले बोलेंगे कि जैक फ्रेशर को क्यों नहीं किया वाइस कैप्टन, देखो उसके अलावा मार्कस स्टोनिस भी है, एडम चंपा भी, सीनोवोट भी है, नैथन इलिस है, ये सबको भी ट्राई करें ग्रैली टीम है, स्मॉली टीम है, कैप्टन ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन मिचेल मार्श के साथ जा रहा हूँ।
ठीक है, तो ये मेरी स्मॉल की टीम बन गई। अब बात करते हैं, कुछ आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ और उस हिसाब से आपको टीम क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ की टीम बन गई, ठीक है, यहाँ की टीम बन गई स्मॉल की। आपको साइड में वो टीम भी दिखा दूंगा, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको प्रेडिक्शन शेयर कर देता हूँ, आपको मैं प्रेडिक्शन शेयर कर देता हूँ जो कि आज मुझे कैसा कौन सा परफॉर्म करेंगे। तो जो मुझे लगता है आज टॉप अगर स्कोरर की बात करें, अगर टीम पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया की, तो मुझे लगता है मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, जैक फ्रेशर चला तो चांद तक, नहीं तो कुछ नहीं, तो उनके कुछ कह नहीं सकता, बट अच्छे प्लेटिंग पर से, और ट्रेविस हेड और ये जॉर्ज मुंशी, जॉर्ज मुंशी तो उस पर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें स्कोर जो आज करेंगे, यही सब है। जॉर्ज मुंशी स्कोर पक्का करेंगे क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर है, टॉप बैटर सब की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रेविस हेड होते स्कोर करेंगे ही, मिचेल मार्श ये टॉप थ्री आज मुझे लगता है स्कोर करेंगे, और ब्रैंडन मैकलम को रख लेना एवरेज के लिए, एक अच्छा रहेगा। अगर बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में सबसे बेटर कौन है, तो मुझे लगता है एडम जंपा पावर प्ले बॉलिंग करेगा, पक्का विकेट्स लेके जाएगा, तो एडम जंपा अच्छा पिक रहेगा। उसके अलावा जो मुझे लगता है नैथन लिंस, ये बंदा दिखता है सर बट विकेट जबरदस्त लेता है। दूसरा सीन अवॉर्ड लेगा तो 3 विकेट लेगा, तो ये जो मुझे लगता है 3 प्लेयर्स इधर से और 3 प्लेयर्स इधर से टॉप परफॉर्मेंस रहेंगे। अगर फ्लॉप प्लेयर की बात करें, तो जो मुझे लगता है जो जिसको लोग बहुत ज़्यादा लोग पिक करें वो फ्लॉप जा सकते हैं। मुझे लगता है अगर टीम पहले बैटिंग करे तो मार्कस स्टोनिस फ्लॉप नहीं जाएगा, लेकिन अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो मार्कस स्टोनिस फ्लॉप जा सकते हैं। पहले अगर बॉलिंग करेंगे तो मार्कस स्टोनिस को फ्लॉप लिस्ट में रखता हूँ, कैमरॉन गेन को भी मैं शायद फ्लॉप लिस्ट में ही रखता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो मुझे लगता है जो फ्लॉप लिस्ट मुझे मेरी टीम में नज़र आ रहा है, पर्सनली बताऊँ तो माइकल जोन्स वगैरह सब हर को जाते हैं, स्कॉटलैंड का जो टॉप ऑर्डर है हो सकता है फ्लॉप ही जाए, बट ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई प्लेयर है तो जैक फ्रेशर भी मुझे लगता है चलेगा, तो वो भी चलेगा नहीं तो फ्लॉप जाएगा, मेरे हिसाब से फ्लॉप जाएगा। तो ये जो प्लेयर से परफॉर्म करेंगे, ये जो प्लेयर से नहीं परफॉर्म करेंगे। बाकी स्मॉली टीम दे चुका हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, और सेकंड फेज के वीडियो कैसा लगा उसे बताना। प्रोडिक्शन भी आपको शेयर कर दिया, मुझे लगता है जो टॉप बैटर्स हैं आज, क्योंकि जॉर्ज मुंशी, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श टॉप बैटर्स हैं। टॉप बॉलर्स की बात करें तो एडम जंपा, नैथन लिंस, सीन अवॉर्ड बता दिए, ये सब चीज़ें, ये सबको ग्रैली की टीम अप्लाई करना। ये मेरी स्मॉल की टीम है बट आप इसको ग्रैली भी यूज़ कर सकते हो। मैं अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम पे करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल जो है, और हाँ व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन करें बैकअप के लिए, और वीडियो को शेयर यूज़ से करें यार दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो को शेयर यूज़ से कर देना, कोशिश करो कि अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें, और कोई डाउट नहीं चाहिए यूज़ से कर, ग्रैली यूज़ से खेलना।